हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हो स्मार्टफोन बड़ी चैनल को। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को अपने डीटीएच का या अपने टीवी का या फिर एसी का रिमोट कैसे इजीली बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने मोबाइल को टीवी का रिमोट बना सकते हैं एकदम इजी। तो चलिए चलते अपने मोबाइल स्क्रीन की ओर। सब्सक्राइब करें योर स्मार्टफोन बड़ी चैनल को और आगे आने वाले बेल आइकॉन पे क्लिक करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम आ गए अपने मोबाइल के स्क्रीन की ओर। तो आपको दिखाते हैं उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है आपके मोबाइल में। तो आपके मोबाइल में पहले तो आयर ब्लास्टर होना ज़रूरी है। आयर ब्लास्टर यहाँ पे होता है जो रिमोट का काम करता है। ज़्यादातर एमआई के सभी मोबाइल में या कुछ कुछ सैमसंग के मोबाइल में और बाकी कंपनी के भी कुछ मोबाइल में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो मैं फ़िलहाल इसके लिए यूज़ कर रहा हूँ मेरा एमआई का A1। तो यहाँ पे मेरे एमआई A1 पे यहाँ पे देख सकते हैं आप आयर ब्लास्टर है। इस आईआर ब्लास्टर की मदद से अपना मोबाइल अपने रिमोट का काम करता है। एमआई के ज़्यादातर सभी मोबाइल, मतलब मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा, तो एमआई A1, रेडमी नोट 4, रेडमी 4 और अभी जो रिसेंटली है रेडमी 5 प्रो और भी जो भी एमआई के मोबाइल में है उनमें यहाँ पे आईआर ब्लास्टर होता है। इसकी मदद से ही आप अपना रिमोट का काम कर सकते हो अपने मोबाइल से। तो चलिए मोबाइल को ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको जाना है पहले प्ले स्टोर में। तो प्ले स्टोर में जाते हैं, ये प्ले स्टोर में जाते हैं, आपको यहाँ पे सर्च करना है एमआई रिमोट। तो यहाँ पे एमआई रिमोट करेंगे तो ए वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो फिलहाल मेरे मोबाइल में ये डाउनलोड है तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका मोबाइल कोई भी हो, एमआई हो या कोई भी हो, आपके मोबाइल में आयर ब्लास्टर होगा तो आप ये एप्लीकेशन एकदम इजीली चला सकते हो और इस एप्लीकेशन की मदद से आप अपने मोबाइल को टीवी का रिमोट इजीली बना सकते हो। तो इसे ओपन कर लेते हैं। इसे मैंने ओपन करके कुछ रिमोट मैंने सेव करके रखा है। तो आपके में फर्स्ट टाइम में हो जाओगे तो यहाँ पे कुछ सेव नहीं होगा, तो यहाँ पे प्लस का आइकॉन आपको आएगा तो वहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्लस का आइकॉन आएगा तो यहाँ पे आप इतने सारे डिवाइस आएंगे, जैसे देख सकते हो एमआई टीवी, एमआई बॉक्स, टीवी सेट ऑफ बॉक्स, एसी, फैन, स्मार्ट बॉक्स, एवी रिसीवर, डीवीडी प्लेयर, प्रोजेक्टर, कैमरा, इन सारे रिमोट का काम ये मोबाइल कर सकता है आपका। तो फिलहाल हमें टीवी और डीटीएच का देखना है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो आपको यहाँ पे टीवी पे जाना है। टीवी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको इतने सारे टीवी के ऑप्शन आ जाएंगे, देख सकते हैं बहुत सारे टीवी के ऑप्शन है। तो आपका टीवी कौन सी कंपनी का है उस हिसाब से आप इसे मतलब सर्च कर लो। तो मेरे पास तो सैमसंग का टीवी है, तो कुछ मतलब जो कंपनी फेमस है वो ऊपर भी आ जाएगी शायद, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं सैमसंग, LG, वीडियोकॉन, पैनासोनिक, ये ऊपर आ जाते हैं। तो मेरा सैमसंग का है तो मैंने सैमसंग पे क्लिक किया। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेस्टिंग के लिए आपके टीवी के सामने इसे पकड़ना है और इसे ऑन पे क्लिक करना है। तो ऑन करते ही आपको यहाँ पे पावर बटन आ जाएगा। टेस्टिंग के लिए आपको पावर बटन दबाना है। पावर बटन दबाते ही आपका टीवी ऑन हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, अगर नहीं हुआ तो नो कर दीजिए। तो फर्स्ट टाइम में तो मेरा सेट हो गया था, नहीं तो आप नेक्स्ट को क्लिक कीजिए। यहाँ पे ऑफ हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ हो गया तो यस कीजिए, नहीं तो नो कीजिए। मेरा तो हो गया था फर्स्ट टाइम में, तो मैं आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। फिर आपको कर देना है आपका रिमोट मैच हो गया, यस कर दीजिए। यस करने के बाद यहाँ पे आपको इस तरह से रिमोट क्रिएट हो जाएगा। तो क्रिएट होने के बाद एक मिनट आपको देखता है, यहाँ पर आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद ये शॉर्टकट बन जाएगा। शॉर्टकट बनने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। तो इससे आप चैनल चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे करके, ऐसे वैल्यूम आप डाउन कर सकते हो। यहाँ पे भी ऑप्शन है, यहाँ पे भी चैनल चेंज करने का है, यहाँ पे म्यूट कर सकते हैं, मेनू, पावर, ये सारे बटन यहाँ पे आ जाएंगे। नंबर बटन भी यहाँ पे आपको मिलते हैं आपको चाहिए तो। एक मिनट आपको दिखाता हूँ, मेरा सैमसंग का टीवी का रिमोट ऑलरेडी पुराना वाला, यहाँ पे नंबर बटन आपको मिलते हैं। तो और इसी तरह से आप डीटीएच का भी रिमोट क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा डिश टीवी का रिमोट भी यहाँ पे सेट करके रखा है।
तो इस तरह से आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटर में। यहाँ पे चैनल में चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन कर सकता हूँ। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि यहाँ पे आपके मोबाइल में आईआर ब्लास्टर होना। आपके मोबाइल में आईआर ब्लास्टर होगा तो ये 100% वर्क करेगा। तो मुझे यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। तो दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए लेटेस्ट ऐसे ही जानकारी भरे वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँ। तो थैंक यू, जय हिंद।